ओके अच्छा जी, मैं कह रहा था कि आज का सेशन एक्चुअली इतना लंबा नहीं होगा, ये आप लोगों को इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, लेकिन सिर्फ ये कि ब्लॉकचेन के हवाले से बहुत सारी मुझे क्यूरीज इस तरह की आ रही थी कि अभी कल की बात है कि एक बंदे ने मुझे भेजा कि जी ब्लॉकचेन इज़ वर्क लाइक ए बैंक अकाउंट। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर जो है ना एक सेशन किया जाए सबके साथ। तो जो लोग आप में से मुझे जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते जी कि मेरा नाम अहमद मंजूर है, आई एम फाउंडर एंड सीईओ ऑफ पाकिस्तान ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट। ऑलमोस्ट 20 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है आईसीटी इंडस्ट्री में, एज ए सॉल्यूशन आर्किटेक्ट नॉर्मली काम करता रहा हूँ, एज ए प्री सेल्स और सारा 100+ क्लाइंट्स को देख चुका हूँ। डेटा सेंटर्स मैंने बहुत ज़्यादा डिज़ाइन किए हैं अपनी लाइफ में, नेटवर्क्स मेरा मेन फील्ड रहा है हमेशा से, और पिछले 12-1 साल से मैं नेशनली और इंटरनेशनली ऑनलाइन एंड ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ ऑन साइट। कुछ सर्टिफिकेशंस की हुई हैं थोड़ी बहुत, जो यानी वही जो लोग मुझे जानते हैं पुराना उनको अंदाज़ा है कि सिस्को, जूनिपर और इसी तरह IBM, ओरेकल, EPI और अब ब्लॉकचेन में कुछ सर्टिफिकेशंस कर चुका हूँ। इसके अलावा ब्लॉकचेन सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ पाकिस्तान में, ये कह लें कि फिलहाल एक ही हूँ, ठीक है। मैं प्रोफेशनल जो सिक्योरिटी प्रोफेशनल है उसका तो शायद इकलौता ही हूँ, और जो आर्किटेक्ट है उसका भी एक ही इस टाइम जो पाकिस्तान में मौजूद है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में हैं काफ़ी लोग हैं लेकिन यहाँ पे मैं एक ही ट्रेनर हूँ जो कि सर्टिफाइड और है, ठीक है। इसके अलावा मैं PIC में पढ़ाता हूँ, जो कुछ लोग आप में से शायद मुझे उसके रेफरेंस से जानते हो, प्रेसिडेंट का जो इनिशिएटिव है AI का एंड कंप्यूटिंग का, उस प्रोग्राम का मैं पार्ट हूँ। उसके अलावा एक इनिशिएटिव COVID-19 का चल रहा है TrustNet.PK के साथ, उसमें भी मैं एज ए लीड आर्किटेक्ट एज ए काम कर रहा हूँ उनके साथ भी एज ए ट्रस्टी। और सारा बात करते हैं ब्लॉकचेन के हवाले से, आई होप के जो लोग पहले मेरा लेक्चर ले चुके हैं उनको इस स्लाइड की बहुत आदत होगी, ठीक है, और जिनको नहीं उनके लिए ये है कि कुछ मिसकॉन्सेप्शन हैं ब्लॉकचेन को लेके बहुत ज़्यादा। ये याद रखिएगा कि ब्लॉकचेन इज़ नॉट ओनली अबाउट बिटकॉइन, यानी हम लोग जब भी ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले बिटकॉइन आता है कि हम तो बिटकॉइन टेक्नोलॉजी की बात आप कर रहे हैं और समथिंग। एक्चुअली ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, बिटकॉइन जस्ट एन एप्लीकेशन है, इवन बिटकॉइन एक फ्रेमवर्क भी नहीं है जिसको आप जिसमें रद्दो बदल कर सकते हैं और जिसको आप किसी और जगह पे यूज कर सकते हैं। दैट इज जस्ट एन ऐप विच इज रनिंग ओवर अ ब्लॉकचेन। फिर एक बात इसके लिए ये है कि जस्ट लाइक इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि एक ईमेल लाइक जीमेल है, जीमेल की गूगल ऐप है और वो आप इंटरनेट पे यूज़ कर रहे हैं, तो दिस इज़ द सेम थिंग। आप अगर ये कहना शुरू कर दें कि गूगल या जीमेल की जो ऐप है वो इंटरनेट है तो ये ज्यादती है फिर, ठीक है। तो यही बात है, यही फ़र्क है जो बिटकॉइन और ब्लॉकचेन के अंदर। फिर इसी तरह दूसरी बात आती है कि ब्लॉकचेन जो है सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर के लिए बना है। जैसे कल की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि एक बंदे का मुझे मैसेज आया, वो इज आस्किंग कि जी ब्लॉकचेन इज जस्ट लाइक ए बैंक अकाउंट। तो ये फाइनेंशियल सेक्टर के लिए नहीं है, ये हर उस जगह पे यूज हो सकता है जहाँ पे आपकी एसेट मैनेजमेंट होनी हो या जहाँ पे आपकी ओनरशिप चेंज होनी हो। किसी ऐसी जगह पे यूज नहीं हो सकता जहाँ पे आपको सेंट्रलाइज चीज़ें चाहिए या जहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए, वहाँ पे ब्लॉकचेन की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसीलिए जी हाँ, मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये हमारे YouTube चैनल के ऊपर ऑब्वियसली अवेलेबल हो जाएगा, जिस तरह के हमारी बाकी जो भी छोटे सेशन होते हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं, तो ये भी इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएगा वहाँ पे, तो इसलिए परेशान ना हो। अच्छा, दूसरी बात फिर ये आती है तीसरी बात कि जी इसमें जो भी आप प्राइवेट इंफॉर्मेशन रखेंगे वो पब्लिकली अवेलेबल सबके लिए हो जाती है। जैसे अगर इसको डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस जब आप कहते हैं तो जी ये सबके लिए अवेलेबल हो जाती है, नहीं ये सबके लिए अवेलेबल नहीं होती। इसके ऊपर कोई भी की लगी होगी या कोई भी चीज़ होगी जो कि सबके लिए नहीं होगी, जो बेसिकली जो लोग होंगे उसको ऑथोराइज उनके लिए अवेलेबल होगी। हम किसी कई जगहों पे लीगल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, यानी कि जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का नाम आता है तो हमारे जहन में ये चीज़ आती है कि जी किसी लीगल कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, तो नहीं ऐसा भी नहीं है।
कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि कुछ लाइन ऑफ कोड्स हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको आप इम्प्लीमेंट करवाते हैं, दैट इज प्रोग्रामिंग कोड, ठीक है, उस प्रोग्रामिंग कोड के थ्रू। तो ब्लॉकचेन में प्रोग्रामिंग कोड को आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कह रहे होते हैं। आई होप यहाँ तक बातें आप लोगों की क्लियर होंगी। अच्छा जी, आगे चलने से पहले फिर वही बात कि कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स जरूरी हैं, बिकॉज ये कॉन्सेप्चुअल वर्कशॉप नहीं है, कॉन्सेप्चुअल सेमिनार नहीं है, तो हम इसके ऊपर बहुत ज्यादा इनके अंदर डीप नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, जैसे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का फर्क। सेंट्रलाइजेशन के अंदर आपको कोई भी बंदा जो बेसिकली जो भी चीजें आजकल चल रही हैं वो सेंट्रलाइजेशन में चल रही हैं। गूगल एक सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है। इसी तरह अगर आप इसको ऐसे लें कि कोई भी चीज यानी सेंट्रलाइज चीजों के अंदर लोग कोई भी यानी दो नंबरी कर सकते हैं, कोई भी इक्विपमेंट में कोई भी चीज में रद्दोबदल हो सकता, ठीक है, कैसे, वो भी निचली फंक्शनैलिटी में जाके बात करते हैं। तो डिसेंट्रलाइज में ये चीज़ नहीं होगी। डिसेंट्रलाइज में क्या होता है कि कोई भी चीज़ बेसिकली आप, क्योंकि वो डिफरेंट लोगों के पास सेम डेटा पड़ा होता है, तो आप उसमें रद्दोबदल नहीं कर सकते। यहाँ तक आई होप आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं फंक्शनैलिटी, क्रेड फंक्शनैलिटी, जो कि मैंने भी बात की थी कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज की जो बात होती है। तो सेंट्रलाइज के अंदर अभी भी अगर आप सोचें, जो भी आप नई फाइल बनाते हैं उसके अंदर होता है कि क्रड फंक्शनैलिटी चल रही होती है। क्रड इज बेसिकली क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। यानी आप एक ही फाइल को क्रिएट करते हैं, उसको रीड कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। ब्लॉकचेन में जो आखिरी दो फंक्शनैलिटीज हैं बेसिकली उनको डिलीट कर, उनको खत्म कर दिया गया, ना तो आप अपडेट कर सकते हैं ना डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ये फंक्शनैलिटी इसको इम्यूटेबल फंक्शनैलिटी बनाती है कि जो चीज इसके अंदर ऐड हो जाएगी वो डिलीट नहीं हो सकती, और जो जो और ना ही अपडेट हो सकती है। अगर आपको ये चीजें करनी है तो आपको बेसिकली कोई आपको पूरे आपको रिकॉर्ड नया ऐड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से किसी भी यानी कल्प्रेट को पकड़ना आसान हो जाएगा। अच्छा, फिर तीसरी चीज आती है कंसेंसस एल्गोरिथम्स। कंसेंसस का मतलब वही है जो कि एक यानी इंग्लिश में कंसेंसस का मतलब होता है, जिसको हम मैं नॉर्मली उसकी उर्दू भूल जाता हूँ, राय आमा जिसको कहते हैं हम। तो इसके लिए कंसेंसस एल्गोरिथम्स बनाए गए हैं, ठीक है, वो डिफरेंट हैं। POW के नाम से प्रूफ ऑफ वर्क आता है, प्रूफ ऑफ स्टेक है, प्रूफ ऑफ एक्टिविटी है, प्रूफ ऑफ कैपेसिटी है, बहुत सारे हैं। तो ये बेसिकली जब ये उस तरह डबल चेक की तरह काम करता है, जब बेसिकली आप इसको ऐसे लें कि कोई भी चीज आपको ऐड करनी है तो वो दो जगह पे चेक हो रही होती है। यानी एक गवाह चेक करता है बेसिकली कि हाँ जी ये चीज ठीक है, ये चीज पहले तो एडिट नहीं है, उस तरीके से फिर बाकी सारे इस पे कंसेंसस देते हैं और फिर ब्लॉक ऐड किया जाता है या फिर वो रिकॉर्ड ऐड किया जाता है। तो ये इसको आप ऐसे समझें, ठीक है। तो इसके हिसाब से बहुत सारे एल्गोरिथम्स इस टाइम मार्केट में हैं, यानी बहुत सारे एल्गोरिथम्स पे काम हो रहा है, बिकॉज ब्लॉकचेन के अंदर एक प्रॉब्लम है जो कि स्केलेबिलिटी की है, उस इशू को देखा जा रहा है, ठीक है। सिक्योर ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, लेकिन इसको फिर भी इसकी सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स पे बहुत काम हो रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको पता होना जरूरी है। अच्छा जी, करैक्टरिस्टिक्स, जिसमें अभी मैं पहले सबसे पहले बात करता हूँ इम्यूटेबिलिटी की, जो अभी हमने इसके अंदर बात की कि अपडेट और डिलीट का फंक्शन डिलीट कर दें तो ये आपको डेटा इम्यूटेबल बना देता है। जो एक दफा डाल दिया गया डेटा वो चेंज और अपडेट नहीं हो सकता, डिलीट और अपडेट नहीं हो सकता। अच्छा, फिर चीज आती है पीयर टू पीयर नेटवर्क की। अब पीयर टू पीयर नेटवर्क के अंदर बेसिकली इसका मतलब यह है कि हर चीज, हर नोड या हर जो बंदा है वो दूसरे बंदे से कनेक्टेड है। अगर आप लोग नेटवर्क को जानते हो तो मैश नेटवर्क की आपने बात सुनी हो, शायद कभी नाम सुना हो, आपकी नजर से नाम गुजरा हो इसका। तो उसके अंदर ये चीज होती है कि हर बंदा दूसरे, हर कंप्यूटर या हर जो आपका AP होता है एक्सेस पॉइंट, वो दूसरे एक्सेस पॉइंट से कनेक्टेड होता है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, देखिए पीयर टू पीयर नेटवर्किंग इसको सिक्योर बनाने के लिए बहुत ज्यादा कारामद है। अच्छा, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स आती हैं, यानी हर पीयर, हर जो भी डेटा होगा, जो बेसिकली नोड होगी या कंप्यूटर होगा जो उसमें पड़ा होगा,
नेटवर्क का पार्ट होगा, उन सब के ऊपर एक सेम डेटा पड़ा होगा, यानी उसमें रद्दी बराबर भी चेंज नहीं होगा किसी भी तरह का, ठीक है। इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर भी इसका एक मेन करेक्टरिस्टिक है। इम्यूटेबिलिटी की मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। फिर इसके अलावा चीज आती है क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन। ये अच्छा, क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन होता है कि वन वे हैश फंक्शन के थ्रू आपका एक वो बन जाता है, लाइक जिसे कहते हैं कोई भी फंक्शन जो है ना, यानी कोई भी पासवर्ड आपको एक ऐसा बना दिया जाए जो कि वन वे हो, जिसको डिक्रिप्ट ना कर सकते हो आप, तो दैट इज बेसिकली वन वे हैश फंक्शन, ठीक है। कोई भी हैश की या कोई भी की आपको ऐसी बना के दे दी जाए जो कि वन वे हो, तो इसको, इन चीजों को हमेशा याद रखिएगा, ये करेक्टरिस्टिक्स हैं ब्लॉकचेन की। अभी जब हम यानी कभी टाइम मिला तो डिटेल में, कभी हम कोई वो बना सके तो इंशाल्लाह उनको हम जो है ना डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब जो अभी हमने जो करेक्टरिस्टिक्स पढ़े या जो हमने बात की उसके ऊपर, ये जो कुछ और चीजें, कुछ और इस तरह की चीजें, ठीक है, उनसे बेसिकली जो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के, जो बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि पब्लिकली वेरीफाइबल, क्योंकि डेटा हर किसी के पास सेम अवेलेबल है, तो कभी उसमें दो नंबर ही नहीं हो सकती, तो वो एज इट इज हर किसी के लिए सेम अवेलेबल रहेगा, ठीक है, वो पब्लिकली वेरीफाइबल हो सकता है। सिक्योर, क्योंकि पीयर टू पीयर हर एक के पास डेटा पड़ा हुआ, तो वो पीयर टू पीयर होने की वजह से सिक्योर भी है। अच्छा, क्वालिटी इंश्योरेंस भी आप इसमें वो कर सकते हैं कि जब एक चीज आप किसी भी यानी चीज का ओरिजिन ट्रैक कर रहे होंगे, ठीक है, कि वो चीज शुरू कहाँ से हुई थी, तो आपको यानी आप उसकी क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं कि ये चीज कहाँ से आई है। अच्छा जी, फिर लोअर ट्रांजेक्शन कॉस्ट, यानी अगर तो जस्ट ये बात करें, जैसे अभी अगर हम सेंट्रलाइज सिस्टम की बात करते हैं, तो अगर आज हमें गूगल के, जो लोग गूगल को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, गूगल डॉक्स को और सब कुछ, अगर हम ये बात करें कि गूगल आपको ये कहे कि जी आपने उसको पर मंथ इतनी फीस देनी है, तो मेरा ख्याल है हम में से कोई भी वो नहीं करेगा, बिकॉज हर किसी को अपनी चीजें प्यारी हैं, तो हम सारे जो हैं वो फीस फौरन देने को तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह मैं नॉर्मली यहाँ पे मिसाल देता होता हूँ कि जी मुझे बैंक से एटीएम से अपने पैसे निकलवाने के लिए ही पैसे पे करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि लोअर इस, अगर ये चीजें दरमियान से निकाल दी जाएं, ठीक है, तो हमारी कॉस्ट लो पे चली जाएगी अगर मिडल मैन को बीच में से निकाल दिया जाए। फिर इसी तरह जो हमने बात की थी कि पीयर टू पीयर नेटवर्क में, ये इसको रिजिलियंट भी बनाता है कि सारा टाइम अवेलेबल है चीज, यानी अगर आपको एक जगह से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, दूसरी जगह से आना शुरू हो जाएगा। तो ये चीजें याद रखिएगा, ठीक है, ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि ब्लॉकचेन के हैं, यानी आप लोग इस पे और स्टडी कर सकते हैं और इन चीजों को देख सकते हैं। अभी आज, क्योंकि आज का सेशन इसके ऊपर नहीं है, तो हम इन पे बहुत ज्यादा और बात नहीं करेंगे, हम केस स्टडीज पे थोड़ी सी बात करेंगे डिफरेंट जगहों पे। अच्छा, अब बात करते हैं कि ब्लॉकचेन के केस स्टडीज, यानी कि ब्लॉकचेन कहाँ कहाँ यूज हो सकता, अगर यानी आप इसको सोचें फाइनेंशियल सेक्टर, जैसे मैंने बात की कि ये सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर के लिए नहीं बना। अच्छा, अब फाइनेंशियल सेक्टर में इसका क्या यूसेज मेन आ सकता, यानी आपने अभी अभी आप लोगों के जहन में शायद बहुत सारों के हो कि जी ब्लॉकचेन इज अ बिटकॉइन। अभी मैंने जिस तरह पहले बात की कि ब्लॉकचेन बिटकॉइन नहीं है, लेकिन हम इसको यूज कर सकते हैं किसी भी चीज के थ्रू कि हम पैसे जल्दी भेज सकें, जो बॉर्डर क्या कहते हैं यानी आउट ऑफ बॉर्डर आपको पैसे भेजने होते हैं, वो जल्दी भेज सकें। जैसे इसकी एक मिसाल ऐसे लें कि आपको एक क्यूआर कोड मिल जाए, अगर किसी बंदे के पास सपोज करें पैसे खत्म हो गए और वो आपको एक क्यूआर कोड भेज दे कि जी मुझे इसके ऊपर पैसे ट्रांसफर कर दो, तो आप उसको जल्दी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, लाइक जैसे व्हाट्सएप, जैसे चाइना में ये काम हो रहा है, वी चैट एक सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू। अच्छा, फिर इसी तरह सेल्स एंड परचेज में आप इसको यूज कर सकते हैं, यानी ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि सेल्स एंड परचेज का पैराडाइम ही चेंज कर देगी। कैसे, सपोज करें रियल स्टेट में आपको परचेज करना है कुछ, आपको कोई जमीन परचेज करनी है, कोई चीज परचेज करनी है, सबसे पहले तो ये सोचें कि अभी कितने झंझट होते हैं
कि हमें डिफरेंट जगहों पे जाना पड़ता है, डिफरेंट वो पटवारी सिस्टम, किसी से वो फर्दे निकलवाएं और सारी चीजें, एक पूरा वो चीज है जिसमें आपकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा लग रही होती है और किसी एक जगह से चीज ट्रांसफर भी उस लेवल पे नहीं हो रही होती। ठीक है, अब इसको ऐसे लें कि अगर हम यानी कि वो जो जमीन के कागजात हैं या कुछ हैं, एलडीए या जो भी ट्रांसफरिंग अथॉरिटी है वो क्या करे, अपनी वो जो पेपर्स हैं उनके ऊपर एक क्यूआर कोड लगा दे और अपनी एक ऐप लॉन्च कर दे। आप जैसे ही उस ऐप पे जाएं, आप अपने आप को वेरीफाई करवाएं और उसके बाद आप उसको जो है ना, जो भी पेपर्स हैं उनके जो क्यूआर कोड है उसको स्कैन करें। जैसे ही आप उसको स्कैन करेंगे तो वो आपको पूरी हिस्ट्री दे दे उसकी, लाइक कब इसको यानी इसका लास्ट जिसके जिससे आप परचेज कर रहे हैं, क्या ये घर उसी के नाम है, करते 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 ये फर्स्ट टाइम जो प्लॉट था वो किसके नाम था, घर किसने बनाया था। इवन इतनी इंफॉर्मेशन रखी जा सकती है इसके अंदर कि घर जो बना था उसके अंदर जो मटेरियल यूज हुआ था वो कहाँ से आया था और कौन सा था। यानी हम इसको इतना ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह कार्स की अगर बात पे हम चले जाएं, कार्स पे, तो कार्स में कैसे, अब कार्स में टोटल 30,000 जो होते हैं, चलें उसकी तरफ बाद में जाते हैं कि कार की रजिस्ट्रेशन हुई, आप कार की रजिस्ट्रेशन के साथ वही आपको एक क्यूआर कोड मिल जाता है और क्यूआर कोड के थ्रू पता लग जाए कि ये आपकी ही कार है। ठीक है, ये अब आपको ट्रांसफर हो गई हुई है, ना कि अभी आपको पुलिस के पास जाना पड़ता है उसका एक्सीडेंटल रिकॉर्ड, कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, ये सारी चीजें। तो बेसिकली ये सारी झंझट खत्म हो जाएंगे वही बात। ठीक है, आपने सिर्फ उसका क्यूआर कोड स्कैन किया, पता लग गया कि अच्छा जी ये गाड़ी चोरी की तो नहीं है, अच्छा ये कभी चोरी हुई थी तो कभी चोरी तो नहीं हुई थी, अच्छा जी ये कभी एक्सीडेंटल तो नहीं है, इसका कोई पार्ट चेंज तो नहीं हुआ हुआ, देन इसका पहला यानी कि पहला बायर कौन था। टोटल 30,000 इक्विपमेंट यानी कि पुर्जे यूज होते हैं गाड़ी को बनाने में, आप वो मटेरियल कहाँ से आया, कब रिप्लेस हुआ, वो सारे का सारा रिकॉर्ड आप इसके ऊपर रख सकते हैं। तो चीजें जिंदगी आसान बना देगी बहुत ज्यादा। अच्छा जी, फिर इसी तरह और यानी सेल्स एंड परचेज में आप जैसे मीट पे बात ले आए, और बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। ठीक है, वो सप्लाई चेन में चल के हम बात करते हैं। अच्छा जी, हेल्थ केयर के अंदर ड्रग ट्रेसेबिलिटी, क्लिनिकल ट्रायल्स, लाइक अगर सपोज करें एक प्लेयर है, वो प्लेयर यानी यूएस में या पाकिस्तान में इंजर्ड हुआ था, अब उसका रिकॉर्ड ठीक है जी, 3-4 साल उसने आराम किया, हड्डी टूटी हुई है उसकी कोई, और दे आर नॉट ही इज नॉट रिकमेंडेड टू प्ले एनी मोर। ठीक है, अब क्या होगा, वो क्या करता है, वो यहाँ से यूएस चला जाता है, किसी और कंट्री में चला जाता है और वहां पे जाके खेलना शुरू कर देता, तो रिकॉर्ड में रद्दो बदल हो सकता। अब कहने का मकसद ये है कि ये जो रद्दो बदल है ये चीज कहीं पे भी हो सकती है, पॉइंट ये है बंदा कर सकता है, लेकिन अगर इसको हम ब्लॉकचेन पे परमानेंट बना के रख दें तो कोई बंदा डॉज नहीं कर पाएगा कभी। अच्छा, ड्रग ट्रेसेबिलिटी, जैसे अभी हमने सेल्स एंड परचेज की बात की, तो ड्रग ट्रेसेबिलिटी का जो है, दोनों चीजें जो है वो बेसिकली इसके अंदर आ जाती हैं। लाइक आप इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि जी ड्रग कब बनी थी, वो यानी मैन्युफैक्चर कब हुई, पैक कब हुई, वो पोर्ट तक कब पहुंची, ये पूरा डेटा आपको मेडिसिन के साथ अवेलेबल हो रहा हो। या जैसे इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि आप किसी जगह कोई चीज खाने के लिए गए किसी रेस्टोरेंट में, या आप कॉफी परचेज करने गए, वहां पे आपको ये मिल जाए इंफॉर्मेशन के जी इसके अंदर जो खाने के अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं वो इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आए हुए हैं। इवन सपोज करें आप कोई फिश परचेज कर रहे हैं, ये फिश कहाँ से पकड़ी गई थी। ठीक है, या आप किसी ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं तो वहां पे ये ज्वेलरी कहाँ से आई है, यानी इसके अंदर जो सपोज करें डायमंड लगा हुआ है या गोल्ड है वो कहाँ से आया है। तो ये ट्रेसिबिलिटी अगर आपको मिलनी शुरू हो जाए किसी भी उसमें सूरत में, तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी।
तो आपको किसी यानी अभी तो ये जहन में कई बार आ जाता ना कि जो चीज मैं परचेज करके ला रहा हूँ वो ओरिजिनल भी है कि नहीं, तो ओरिजिनलिटी आपके सामने बहुत ज्यादा चीजों की नजर आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, फिर इसी तरह बात करते हैं हम कि ई कॉमर्स में और सप्लाई चेन में ये बहुत ज्यादा यूज होगा आगे चल के। यानी अभी ई कॉमर्स में जी आपने चीज ठीक है, अगर तो किसी ब्रांड के थ्रू आपने ली शायद आपको चीज ठीक मिल जाए, लेकिन कोई भी बंदा, सर ट्रेवल इंडस्ट्री को भी मैं बात करता हूँ उसके ऊपर, एक दफा जब मैं ये सारे खत्म कर लूँ मुझे दोबारा एक दफा याद करवा दीजिएगा, देन वी विल टॉक अबाउट द ट्रेवल इंडस्ट्री अगेन। ओके, तो ई कॉमर्स में और जो है सप्लाई चेन में ये चीज है कि जब चीज आप तक पहुंची तो वो चीज ओरिजिनल है कि नहीं है, आप इसको ट्रेस कर सकते हैं। यानी अच्छा, मजे की ये बात है कि ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड होंगी, यानी फाइनेंशियल सेक्टर को कनेक्टेड होना पड़ेगा सेल्स एंड परचेज से, सेल्स एंड परचेज को कनेक्टेड होना पड़ेगा सप्लाई चेन से, ठीक है, फिर इसी तरह हेल्थ एंड केयर भी इसके अंदर आ जाएगी, तो वो सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, वोटिंग में इस ये चीज बहुत ज्यादा यूज हो सकता है आपका, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बड़े अच्छे तरीके से यूज हो सकती है, जस्ट लाइक के यानी उसके बाद रिगिंग नहीं रहेगी, लाइक आपका वोट वंस कास्ट होगा। यानी अगर मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करूं तो पाकिस्तान में एक प्रोविंशियल इलेक्शन होता है और एक नेशनल इलेक्शन होता है, आप दोनों के लिए वोट कास्ट करते हैं। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपका वोट काउंट हो जाए, तो अगर हम वोटिंग सिस्टम को ब्लॉकचेन के ऊपर ले आते हैं तो किस तरीके से यानी कितनी आसानी हो जाएगी, यानी आपको ये इशू नहीं रहेगा। देखें, इलेक्शन कमीशन अपनी एक ऐप निकाल दे जिसके थ्रू, जैसे मैंने अभी बात की, आप एक क्यूआर कोड जस्ट आपको स्कैन करना है, उससे पहले अपने आप को आपको वेरीफाई करवाना है कि दैट यू आर ऑथोराइज टू वोट, आपकी 18 साल से उम्र ज्यादा है, आपका आईडी कार्ड बना हुआ है, आप पाकिस्तान के शहरी हैं, अब आप वोट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर हम एजुकेशन सेक्टर में चले जाएं, अब एजुकेशन सेक्टर के अंदर यानी जो होती है फोर्जरी, यानी मैं कई दफा वो मिसाल देता हूँ, लोग हंस पड़ते हैं इस मिसाल पे कि जी हमारे यहाँ लोग मैट्रिक पहले कर लेते हैं, कई दफा कुछ लोग माशाल्लाह ऐसे होते हैं जो मैट्रिक बाद में करते हैं और एमएससी पहले कर लेते हैं, ठीक है, तो वो कहते हैं नकल के लिए अकल की जरूरत होती है, तो वो बेसिकली अब आप सोच सकते हैं कि ये काम रुक जाएंगे। यानी आपका अगर सपोज करें बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर तो डेथ सर्टिफिकेट सब कुछ हम ला के इसके ऊपर रख दें तो कितनी आसानी हो जाएगी ट्रेस करने में कि बंदा कहाँ कहाँ पे जॉब करता रहा, बंदा कौन था, बंदा क्या है, उसने क्या एजुकेशन ली हुई है, ठीक है। तो फोर्जरी खत्म हो जाएगी। अभी जिस तरह हमने बात की कि इसमें अपडेट और डिलीट तो हो ही नहीं सकता, अगर खुदा ना खौस्ता कोई बंदा उसमें फोर्जरी कर भी देता तो वो पकड़ा जाएगा फौरन कि ये सर्टिफिकेट तब किसने ऐड किया था इसके अंदर, तो वो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। आपको सिस्टम पे यानी एतबार करने की जरूरत रहेगी, उस पर आप यानी ट्रस्ट कर रहे होंगे और किसी पे आपको ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी। अच्छा, ट्रेवल इंडस्ट्री की बात करें, जी हाँ, अब इसमें मजे की चीज ये है कि ठीक है, एक तो टिकट्स की ओरिजिनलिटी, दूसरी बात आपने ट्रेवल कहाँ कहाँ किया हुआ है वो रिकॉर्ड इसके अंदर रखना, तो कितनी आसानी हो जाएगी इस चीज से। यानी इसको ऐसे लें कि आप पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, आपने वीजा अप्लाई किया और आपने जी अब बहुत सारा क्या कहते हैं ना लोन लिया हुआ किसी बैंक से, तो आपको बाहर का वीजा नहीं मिलना चाहिए टेक्निकली, बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो अगर यानी इस तरह की चीज, ये सारी चीजें जैसे मैं कहता हूँ सारी चीजें कनेक्टेड हो जाए आपस में, तो हर इंडस्ट्री के अंदर ये चीज आ जाएगी और आप यानी हम बहुत सारी चीजों से बच जाएंगे, जो प्रॉब्लम्स हमें आजकल फेस करनी पड़ रही हैं उनसे हम बच जाएंगे बेसिकली। अच्छा, इसी तरह अगर बात करें, जैसे हमारे पीएसएल चलती है उसकी जो टिकट्स है वो अगर हम इसके ऊपर ले आए, किसी कॉन्सर्ट की टिकट्स हम इसके ऊपर ले आए, तो चीज बहुत आसान हो जाएगी। जैसे अभी आजकल के केस में कोविड-19 की अगर हम मिसाल लें,
यानी सबसे पहले हम मिसाल लेते हैं इसकी सप्लाई चेन के अंदर कि कितनी मेडिसिन आई और कितनी किस एरिया में जा रही थी, क्या उस एरिया में पहुंची, अभी यहां तक रहते हैं, उस एरिया में पहुंची, उसको ट्रेस किया जा सकता है ये उस एरिया की थी, ये वहां तक गई या नहीं गई, गॉट इट। देन अगली चीज आती है कि क्या ये उस बंदे को लगी जिसको लगनी चाहिए थी। अच्छा, अब उस बंदे को लग गई तो अब उस बंदे का रिकॉर्ड कहाँ पे है, यानी ये वो बंदा कैसे बता सकता है कि जी वो COVID-19 का वैक्सीनेटेड बंदा। जाहिर है इसके साथ वो क्या करेंगे उसको, यानी एक आईडी दिया जाएगा कि जी हाँ जी आप वैक्सीनेटेड हैं। जैसे अभी पहले था कि आपको हज उमरे पे जाना है या किसी मुल्क से भेजना है तो आपको एक वैक्सीन पोलियो की वैक्सीन करवानी पड़ती थी, लेकिन उसका सर्टिफिकेट आपको मैनुअल मिलता था। अब वो मैनुअल सर्टिफिकेट तो कोई भी बनवा ले, अब जैसे COVID-19 का उसका जो है कोई भी बनवा ले उसका यानी सर्टिफिकेट अगर मैनुअल हो, और वो बाहर जाए और जो कोरोना कोरोना हो रही हो हर जगह पे, ठीक है, लेकिन इसके थ्रू ट्रेसेबिलिटी आसान हो जाएगी कि किस बंदे को लगी हुई है किस बंदे को नहीं लगी हुई है, ठीक है। WHO इसको ऑथोराइज कर दे, सॉरी मैं आपका ये पढ़ नहीं पढ़ा, सोसाइटी बन जाएगी सर, सब समझ नहीं मुझे इस बात की, बारे ये आपका जुमला मुझे समझ नहीं आ रहा है, सॉरी। ठीक है, इस तरीके से ये चीजें एक्चुअली चेंज हो सकती हैं। अच्छा, इसी तरह जब हम इसके यानी कि मैं जो चीजें सोचता हूँ कि इससे क्या चीजें रुक जाएंगी, यानी आपकी मनी लॉन्ड्रिंग रुक जाएगी, आपकी सर्टिफिकेट फोर्जरी रुक जाएगी, फ्रॉड रुक जाएगा, आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑब्वियसली करप्शन रुक जाएगी आपकी इस टेक्नोलॉजी के आने से। मनी लॉन्ड्रिंग कैसे, इसकी जो मिसाल नॉर्मली मैं देता होता हूँ वो ये है कि यानी आपके पास कितनी सैलरी आई, अब वो ट्रेसेबल है, ठीक है। अब आपने मुल्क से बाहर अगर ट्रेवल करना है और आपने जाके वेस्टर्न यूनियन से अपने अपने पैसे एक्सचेंज करवाने हैं, उन्होंने QR कोड रखा हुआ है कि आप जाएं, अभी तो आप वॉलेट यूज ही नहीं कर रहे, आप जी उसको स्कैन किया, आपके पैसे उनके अकाउंट में चले गए, उन्होंने आपको डॉलर प्रोवाइड कर दिए, वो उसका $1,000 है। अब वो $1,000 हर जगह पे पता होगा कि $1,000 लेके जा रहे हैं आप, अगर उससे ज्यादा आप लेके जाने की कोशिश करेंगे तो वो लोग आपको फौरन पकड़ लेंगे कि भाई इससे ज्यादा इसके आप अथॉरिटी लेटर दिखाएं इसका कि जो आप लेके जा रहे हैं, और वो आपको शो करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से बहुत सारी चीजें बहुत यानी के राहे रास्त पे आ सकती हैं चीजें इस टेक्नोलॉजी को यूज करके। फिर मैं एक बात करता होता हूं कि जी ये एक रेवोल्यूशनाइज टेक्नोलॉजी है जो कि चीजों को नई डायमेंशन में ले जाएगी हमें हमेशा के लिए। ऐसा नहीं होगा कि आज आपने यूज कर ली। मैं हमेशा एक बात करता हूं कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने इंटरनेट की तरह, देखें आपका इंटरनेट 90s में 80s में शुरू हुआ, आज तक वो उसी तरीके से चल रहा है, सिर्फ टेक्नोलॉजीज चेंज होती जा रही हैं। अब आप 5G की बात कर रहे हैं या बहुत सारी और टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, हर टेक्नोलॉजी उसके ऊपर चेंज होती जा रही है। आप मैसेंजर पहले AOL यूज करते थे, अब आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, सो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, पीछे अंडरले टेक्नोलॉजी सेम है। तो ब्लॉकचेन को जो लोग ये कहते हैं ना ब्लॉकचेन बिटकॉइन और बिटकॉइन, तो उनके लिए एक आंसर है छोटा सा कि जी ब्लॉकचेन इज बेसिकली आर अंडरले टेक्नोलॉजी फॉर बिटकॉइन एंड ओवरले टेक्नोलॉजी फॉर इंटरनेट, ठीक है, ये साइमल्टेनियसली चलती जाएगी और बाकी सब चीज टेक्नोलॉजी चेंज होती जाएंगी। IoT आएगी, IoE आएगी, AI आएगी, M2M और ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से चीजें काम करेंगी, इस तरीके से ये टेक्नोलॉजी एक बहुत ज्यादा यानी ये आपकी चीजों का पैराडाइम ही चेंज कर देगी, बिल्कुल हर चीज को एक दूसरे से कनेक्ट कर देगी, क्योंकि हर किसी को दूसरे से इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा हमेशा। अच्छा, वही एक्चुअली एक बात के अगर आप आज भी कोई बंदा ये सोचता है कि जी ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी चेंज नहीं कर सकती किसी चीज को, तो वो जाहिर अकेला नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इसके डिनाइल फेज में चल रहे हैं, लेकिन इसने आना है, और बल्कि ये ऑलमोस्ट यानी कि कह रहे हैं कि ऑन द एज है,
तो इसको जितना जल्दी सीख ले मुनासिब है। यानी इसके ऊपर हम लोगों ने पिछले दिनों एक वो किया था, कैरियर के ऊपर भी एक सेमिनार, इसी तरह की एक वर्कशॉप सी की थी, ठीक है, जिसमें हमने यूज केसेस और कैरियर डिस्कस किए थे। तो वो जो यानी कि आप लोग उसमें देख सकते हैं, मैंने उसमें से सिर्फ एक स्लाइड यहाँ पे रखी हुई है, जो कि मैं अभी आगे चल के डिस्कस करता हूँ कि पाथ क्या चूज किया जाए। यानी कि मैं हमेशा बोलता रहता हूँ ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन, अच्छा जी ब्लॉकचेन में आने का कोई तो तरीका होगा, अच्छा फिर ये सिर्फ प्रोग्रामर्स के लिए नहीं है। यानी कि इंसान के दिमाग में सबसे पहले बात आती है, यार ये इसमें जाना पड़ेगा तो हमें तो प्रोग्रामर बनना पड़ेगा। तो नहीं जी, मैं बाय माई सेल्फ आई एम नॉट अ प्रोग्रामर, आई एम प्री सेल्स गाय, आई एम अ सोल्यूशन आर्किटेक्ट, आई एम अ वाइट पेपर राइटर, ठीक है, आई एम अ डॉक्यूमेंटेशन राइटर। तो मैं यानी कि प्रोग्रामर नहीं। तो कहने का मकसद ये है सर कि इसमें यानी कोई अगर ये समझता है कि जी इसमें चेंजेस नहीं आ रहे, यानी कि ये तो कुछ भी नहीं होगा, ये अगले 10 साल नहीं आनी या कुछ, तो ऑब्वियसली यू आर नॉट अलोन इन दिस। बहुत सारे लोग हैं जो इसके डिनाइल फेज में, तो लेकिन अगर हम जल्दी मान जाएंगे और उस पर काम करना शुरू कर देंगे तो उतना जल्दी हम अडेप्शन आ जाएगी इसकी, हम उतना जल्दी अडेप्ट कर पाएंगे इसको। तो दिस इज माई रिक्वेस्ट टू ऑल के जी इसको अडेप्ट करने की कोशिश करें, डिनाइल फेज से निकलें इसके। ये जी एक छोटा सा एक्चुअली जो मेरी कंपनी है ANZ टेक्नोलॉजीज और पाकिस्तान ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट, वी आर द पार्टनर्स ऑफ ब्लॉकचेन ट्रेनिंग अलायंस, जो कि एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि ट्रेनिंग्स देती है, जिसका मैं ट्रेनर भी हूँ ऑफिशियल इन पाकिस्तान। तो वो ये कुछ मल्टीपल सर्टिफिकेशंस करवाती है जो कि मैं पाकिस्तान में बेसिकली लेके आया था सबके लिए। तो उसमें से एक है फाउंडेशन की, जो इसका हमने भी पिछले दिनों बूट कैंप भी किया था, आप में से शायद कुछ लोग होंगे भी उसके अंदर, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट किया था। उसका एग्जाम बहुत जल्द हम लोग लॉन्च कर देंगे इंशाल्लाह यहाँ पे, ताकि आप लोग उसको भी वो कर सकें। फिर अगर आप यानी प्रोग्रामर नहीं है तो आप आर्किटेक्ट बन सकते हैं इसको, नेटवर्क आर्किटेक्ट, या नेटवर्क के लोग नॉर्मली आर्किटेक्चर में जा सकते हैं। उसकी वजह यह है कि आपको पता है मेथोडोलॉजी इसका कि आर्किटेक्ट काम क्या करता है। यानी आर्किटेक्ट के लिए आपको प्रोग्रामिंग आनी जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये कि आप प्रोग्रामिंग को देख सकें, आपको नो हाउ थोड़ी बहुत होनी चाहिए, वो आप सीख ले, वो बंदा कोई भी सीख लेता है, ठीक है। तो आप आर्किटेक्ट की सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, आप आर्किटेक्ट बन सकते हैं। अच्छा नॉर्मली लोग, अच्छा लें उसको फिर मैं भूल जाऊंगा एक्चुअली, नॉर्मली लोग जो है ना ये बात करते हैं कि जी सर्टिफिकेशन करनी क्यों जरूरी है, कि सर्टिफिकेशन से हमें क्या फायदा होगा, समथिंग लाइक दिस। देखिए सर्टिफिकेशन आपको एक बूस्ट दे देती है, होता यह है कि आपको नॉलेज प्रूफ करने के लिए एक छोटी सी जो है ना ऑथराइजेशन मिल जाती है, यानी कि क्या कहते हैं उसको, यानी सॉरी मुझे दिमाग में वर्ड नहीं आ रहा, कि आप को एक रिकग्निशन मिल जाती है, ठीक है। अच्छा जो लोग प्रोग्रामर्स हैं वो इसमें दो फ्रेमवर्क्स पढ़ाए जाते हैं, एथीरियम और हाइपरलेजर, वो उसके ऊपर जा सकते हैं। अगर आपको प्राइवेट की तरफ आपका फोकस ज्यादा है तो आप हाइपरलेजर को पढ़िए, अगर आप पब्लिक में काम करना है तो एथीरियम को पढ़िए। तो दिस इज बेसिकली ये आपके लिए ज्यादा मुनासिब रहेगा। अच्छा सिक्योरिटी, जो साइबर सिक्योरिटी के लोग हैं वो सिक्योरिटी प्रोफेशनल का कोर्स पढ़ सकते हैं, कि इसमें किस तरह सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स आ रहे हैं, क्या चीजें आ रही हैं, तो बेसिकली हम उसको देख सकते हैं ज्यादा अच्छे तरीके से। तो मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि आप लोग इन चीजों को देखिए पढ़िए, और हम लोग इसके ऊपर जो है ना मिलके बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। अच्छा दूसरी बात, फिर एक नॉर्मल क्वेश्चन जो लोगों का आता है कि जी मुझे तो जी रिकॉर्डेड चीजें मिल गई हैं, व्हाई आई एम गोइंग फॉर ऑनलाइन थिंग्स और समथिंग। देखें एक जैसे ये एक सेशन है, इस सेशन में आपके पास एक यानी कैपेबिलिटी है कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं, दिस इज लाइक एन ऑन साइट ट्रेनिंग। इसमें ऐसा नहीं है कि जी आप क्वेश्चन यानी कि रिकॉर्डेड सेशन में तो आपने पढ़ लिया सो पढ़ लिया। अब जैसे अगर वो समटाइम्स लोग ऑनलाइन पढ़ के ना, तो उनके साथ प्रॉब्लम ये आ रही होती है कि उनके प्रोग्राम्स नहीं चल रहे होते। अब प्रोग्राम्स नहीं चल रहे तो वहां पे इशू क्या आ रहा होता है कि जी जो वो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो पुराने सीखा उन्होंने पुराने में हुआ है, ठीक है, वो पुराना चला रहे हैं और अब इंटीग्रेशन वो नए नए उस पर करना चाह रहे हैं। तो ये चीजें बड़ी तेजी से चेंज हो रही है टेक्नोलॉजी की फील्ड में, और अब तो जूम ने या जो भी सॉफ्टवेयर यूज किए जाएं,
ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के, इन्होंने चीजें बड़ी आसान कर दी। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को ये चीजें यानी कंसिडर करनी चाहिए, मैं तो सिर्फ मशवरा दे सकता हूँ, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको कौन सी, जावास्क्रिप्ट बेसिकली जो मेन जो आपकी लैंग्वेजेस है ना, यानी जिसे कहें आपको जावास्क्रिप्ट का पता होना जरूरी है, आपको पाइथन का पता होना जरूरी है, ठीक है, उनकी बेसिक्स आपकी क्लियर होनी जरूरी है ताकि आप जब एथेरियम या हाइपरलेजर के ऊपर मूव करें तो आप उन चीजों को आगे लेके चल सकें। मैं फिर एक बात नॉर्मली करता होता हूँ जी, ब्लॉकचेन इज कमिंग एंड इट्स नॉट कमिंग स्लो, जितनी जल्दी आप इसको सीख लेंगे तो बहुत मुनासिब है। ये बेसिकली इस तरह की चीज है कि आप यानी इसको ऐसे ले लें कि यानी अगर आज जैसे बहुत सारे मुल्क जो हैं वो ब्लॉकचेन के ऊपर अपने डेटा को शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे जिनमें सबसे बड़ी डिप्लॉयमेंट इस टाइम दुबई में हो रही है, दुबई कल को वीजा देना बंद कर दे और आपको कहे कि मुझे अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स ब्लॉकचेन पे दो, देन क्या करेंगे आप कुछ भी नहीं कर सकते वहां। तो ये मेरा पॉइंट है कि आप इसको जो है ना सीखना शुरू करें, रादर देन के ये सोचते सोचते कि नहीं जी हम तो जो है ना रह जाएंगे और पता नहीं क्या होगा, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि आप लोग इसको सीखना शुरू करें, मेरा तो पर्सनल मशवरा आप लोगों को यही है, जितना जल्दी सीख सकें उतना ज्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए। कल को ये ना हो कि जैसे पिछले दिनों मैं एक यानी मुझे नहीं पता आप में से नेटवर्क से कितने लोग हैं, लेकिन वाइट स्विचिंग एक कॉन्सेप्ट आया था, लोगों को वाइट स्विचिंग का पता ही नहीं था कि वाइट स्विचिंग क्या होती है, ठीक है, वो उसको नेटवर्क के साथ जोड़ते रहे हैं। बेसिकली जिनको थोड़ा स्टोरेज का पता था वो उनको समझ आ गई कि वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, तो हमें जो है ना इसकी तरफ मूव करना चाहिए, इससे पैसे भी बहुत बचेंगे हमारी, वो जो है ना हार्डवर्क भी बहुत ज़्यादा बच जाएगा, ठीक है। तो ऑलवेज जिस तरह वो बड़े कहते हैं ना, ओके वर्क हार्ड बट ऑल्सो वर्क स्मार्ट, तो मैं नॉर्मली कहता होता हूँ लर्न हार्ड एज वेल एज स्मार्ट, तो लर्निंग स्मार्ट भी होती है, तो आपको वो लर्निंग करनी चाहिए। सो दिस इज ऑल एक्चुअली फ्रॉम माई साइड एंड थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइनिंग अस। अगर आप में से कोई क्वेश्चन करना चाहता प्लीज हैंड रेज कीजिएगा, तो मैं उसका जो है ना आई ट्राई माई बेस्ट के हमारे पास अभी 15 मिनट हैं तो मैं आंसर कर सकूं किसी के भी क्वेश्चन का, ठीक है। और रेलिवेंट रहिएगा, दिस इज माई रिक्वेस्ट टू यू के रेलिवेंट रहिएगा जी। नोकिया 1100 भाई, आपका नाम नहीं आ रहा, आई एम सो सॉरी सर, आपकी आवाज भी नहीं आ रही। अच्छा मैं 30 सेकेंड तक एक्चुअली हर बंदे को दूंगा, अगर कोई वो ना कर सका क्वेश्चन तो देन वी ड्रॉप हिम ऑफ एंड गिव सम अदर अ चांस। ओके जी गौरव भाई। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये दो तीन चीजों को लेकर है। एक तो आपने जो यूजर्स बताए हैं ब्लॉकचेन के, जिसमें आपने बताया कि इंफॉर्मेशन जो फीड की जा सकती है और वो ट्रेसेबिलिटी रहती है उसकी, तो एक चीज मेरे को आपको पूछनी थी कि क्या ये बहुत ज्यादा या कम्प्लीटली इनपुट के ऊपर डिपेंडेंट है कि हाँ भाई आप इनपुट क्या कर रहे हो डेटा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने रॉन्ग डेटा इनपुट किया है तो वो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक कार की बात की या एक ओनर की बात की, हाउस ओनर की बात की, तो उसमें अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है या मैं जानबूझ के किसी और का नाम डाल देता हूँ तो ये कैसे काम करेगा। दूसरा ये था कि मैंने आपको एक एक करके चलें तो ज्यादा मुनासिब है। अच्छा देखें चक्कर ये गौरव भाई कि इसके अंदर जो है ना ये वाकई आप ठीक कह रहे हैं कि इनपुट इज इम्पोर्टेंट, अगर आपने इनपुट गलत कर दी तो वो तो चला गया उसके ऊपर, ठीक है। अब जब दोबारा से आपको करना है तो आपको नई ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी, तो वाकई ये इनपुट के ऊपर इसका जो ज्यादा इन्हसार है वो इनपुट के ऊपर है कि आपको इनपुट बड़ी सोच समझ के करनी पड़ेगी। जैसे अगर बिटकॉइन या जैसे आपको पैसे भी भेज रहे हैं ना तो बड़े सोच समझ के करने पड़ेंगे, बिकॉज वो इरिवर्सिबल होते हैं कई दफा, ठीक है, जब तक इसका ऐसा मैकेनिज्म ना बन जाए, वो एक दफा गए तो गए, इरिवर्सिबल ट्रांजेक्शन होती हैं ये, ठीक है।
सर, जी तो गौरव उसके भाई नेक्स्ट इसमें जी उसके इसमें इनपुट वैलिडेशन कैसे होएगी कि आप सही डेटा डाल देखें रहे हैं या नहीं डाल वो रहे हैं? कंसेंसस मैंने बात की, देखें कंसेंसस की। अच्छा आप अनम्यूट ही रहिए ताकि वो जो है ना बातचीत चलती रहेगी तो बहुत मुनासिब है। जी सर, जी सर, अच्छा देखें चक्कर ये है कि जो आपका है ना जब आप इनपुट कर रहे होंगे, देखें उसको वेरीफाई किया जाएगा, जो कंसेंसस एल्गोरिदम है वो यही काम कर रहे होते हैं। जी ठीक है, जब कंसेंसस जी एल्गोरिदम चलता है ना, देखें जिसको कहते हैं, मैं नॉर्मली उन कंसेंसस वालों को या जिनको हम माइनर्स कहते हैं उनको मैं नॉर्मली नाम यूज करता हूँ सबको समझाने के लिए, वेरीफायर्स। जी ठीक है, तो जो वेरीफायर्स होते हैं वो ये वेरीफाई कर रहे होते हैं ये जो डेटा इनपुट हो रहा है ये ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या ये पहले तो नहीं हुआ हुआ। जी ठीक है, तो ये बेसिकली वहां पे इसीलिए इस पर डबल चेक लगे हुए हैं, इसीलिए देखें इसीलिए इसका जो प्रोसेस है वो स्लो है। फिर इसके ओके मैंने भी बात की थी, इसमें जो है ना स्केलेबिलिटी का एक इशू चल रहा है अभी तक, और वो अभी चलेगा कुछ अर्सा, उस पर लोग काम कर रहे हैं। तो मेरी तो हमेशा से ख्वाहिश होती है कि जो नए यानी कि यंगस्टर्स आ रहे हैं माशाल्लाह वो इसके ऊपर नई चीजें करें, नया सब कुछ कर दें। ठीक है, तो आप भी अभी जैसे सिक्योरिटी मैकेनिज्म पे काम हो रहा है इसका बहुत ज्यादा, आजकल जो नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ज्यादा वो सिक्योरिटी मैकेनिज्म पे और कंसेंसस एल्गोरिदम्स पे चल रहे हैं। ठीक है ना, तो ओके ये बेसिकली ये चीज है। ठीक है ना जी, जी, ठीक है। अभी नेक्स्ट इसमें जी इसमें जैसे आपने बताया इनपुट को वैलिडेट अलग अलग पार्टीज करती है, तो हालांकि मेरे पास उसके लिए भी कुछ और क्वेश्चंस है, बट मैं मूव ऑन करता हूँ बिकॉज बहुत लंबा हो जाएगा वो जी डिस्कशन। प्लीज तो दूसरा जी जी ये था प्लीज 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 कि प्लीज जो सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेकर इशू है, कि जैसे आपने बताया कि एक अगर किसी रेस्टोरेंट में बंदा जाता है, उधर वो ऑर्डर करता है, उसका अगर प्रीवियस रिकॉर्ड है जो कि क्रिमिनल रिकॉर्ड है, बट एट द सेम टाइम एक आदमी की जो प्राइवेसी है वो भी एक रिस्क के ऊपर आ जाती है। जैसे आपने बताया वीजा डिनाई हो सकता है, अभी किसी को एक जेन्यून रिक्वायरमेंट हो सकती है कि वो अपनी लाइफ को दोबारा रीस्टार्ट करना चाहता है या किसी और वजह से। एक आदमी को पूरी आज़ादी होनी चाहिए ये बात की कि हाँ भाई, एक बार उसने अगर किसी क्राइम का रिकॉर्ड उसका था और उसको अभी नेक्स्ट रीस्टार्ट करनी है लाइफ, तो वो कर सके। बट इस केस में बहुत हद देखें तक देखें एक चक्कर ये जो आप बात कर रहे हैं ना, हाँ ठीक है, देखें ये जो आप बात कर रहे हैं ना, देखें प्राइवेसी कंसर्न को लेकर रीस्टार्ट, था सर। हाँ रीस्टार्ट करने की ना बात तब है जब बंदा कमिटेड हो। ठीक है, अच्छा जी अब कमिटेड का क्या मतलब है मेरे यहाँ पे? कमिटेड का मतलब ये है कि अगर जिसे कहते हैं ना हम जो जो तौबा होती है ना वो खुलम खुला होती है। ठीक है, यानी आप जाके इस तरह करें कि जी आपने एक बंदे को का दिल दुखा दिया, ठीक है, अब आप जाके तो किसी दूसरे से माफी मांगनी शुरू कर दें, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। ठीक है, तो आपको उसी बंदे से माफी मांगनी जरूरी है। जी अब आप नई जिंदगी शुरू करना चाह रहा है, कोई भी बंदा नई जिंदगी शुरू करना चाह रहा है, तो बेसिकली उसको कोई ऐसी अथॉरिटी होगी जो उसको ऑथराइज करेगी कि ओके नाउ यू कैन स्टार्ट। अच्छा जी आपने ये आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे, ओके अब आपने खत्म कर लिया, लेकिन वो डेटा उधर ही रहेगा। ठीक है, हाँ आप जाके अब नई जिंदगी शुरू करें, सौ बिस्मिल्लाह जरूर शुरू करें। अब बात समझ आ रही है आपको? कोई रोक जी नहीं रहा इस चीज में, लेकिन सिर्फ वो जो आप प्राइवेसी वाली बात कर रहे हैं ना, वो रिकॉर्ड किन के पास अवेलेबल है? वो पुलिस के पास अवेलेबल होगा, वो जो आपके टैक्सेस वाले जो रेगुलेटरीज है उनके पास अवेलेबल होगा, वो हर बंदे के लिए अवेलेबल थोड़ा ही है। सर, क्या मैं ख्याल एक है? बहुत कॉमन सा एक एग्जांपल लेता हूँ आपको, कि जैसे एक आदमी ने शादी की है, उसके बाद उसका फॉर व्हाटएवर रीजन नहीं चल पाता है और वो वहाँ से शादी से बाहर निकलता है। शादी के बाहर निकलने का दोबारा से कोशिश करता है कि हाँ भाई, मैं रीस्टार्ट करूँ अपनी लाइफ को एक दूसरे डायमेंशन में। तो वो केस में अगर उनको एक्सेस है, जो नए प्रोस्पेक्ट्स हैं उनके शादी के, उनको अगर एक्सेस है इस इंफॉर्मेशन का, तो वो फिर एक कॉमन सी राय बन जाती है कि नहीं भाई, देखें इसका कुछ प्रॉब्लम होगा या समथिंग लाइक देखें दैट। देखें मैं यही बात कर रहा हूँ। देखें वैसे आपने माशाल्लाह शादी की बात की, ये का बड़ी मजे की मिसाल बनती होती है वैसे, ठीक है ना। अच्छा देखें चक्कर ये है कि हम शादी की मिसाल को ही लेते हैं। ठीक है, जी देखें जो कॉमन अथॉरिटीज हैं ये डेटा पड़ा होगा अथॉरिटीज के पास, जी बात को समझिएगा मेरी। ठीक है, जैसे खुदा ना खास्ता किसी भी वजह से अगर चीज खत्म हुई है, ठीक है, तो
अथॉरिटीज को तो पता होना चाहिए कि ये बंदा क्या है, यानी ये ऐसा तो नहीं है कि अथॉरिटीज को ना पता हो। अब वो अब सपोज करें आपके साथ एक बंदा बिजनेस शुरू करता, ठीक है, अब उस आप चाहते हैं आपको उसकी वेरिफिकेशन मिले। अभी क्या है, अभी हम बाय टंग चल रहे होते हैं, नॉर्मली जुबान की बेस पे चल रहे होते हैं ना, कि जी मुझे किसी ने कह दिया जी कि मैं इतना, मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, ये वो फलां टमका। तो अब होगा क्या कि वो बंदा जो है ना यकदम क्या करेगा, जिसको कहें कि इस तरह से बिजनेस शुरू हो गया सपोज कर लें, ठीक है, अब जैसे ही बिजनेस शुरू हुआ बाद में बंदा दो नंबर निकल आया समथिंग, अभी क्या होगा, आप उसको वेरिफिकेशन के लिए आप ना एक नेटवर्क उन्होंने आपको बना दिया होगा कि इफ यू वांट टू वेरीफाई समबडी आप इसके अंदर डाल दें, डाल के चेक करेंगे ये बंदा कौन है, आप डालते हैं पता लग जाता है कि वो बंदा कौन है, तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? सर बिल्कुल फायदा हुआ वो केस में, फायदा बिल्कुल हुआ वो केस में, लेकिन प्राइवेसी आपकी बिल्कुल खत्म नहीं होगी, प्राइवेसी आपकी नहीं खत्म होगी इससे, क्योंकि वही डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर की बात की थी, इसके लिए मैं आपसे वो पूछना चाहता था कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर में तो वो सेंट्रलाइज नहीं है, वो डिसेंट्रलाइज है, राइट सर? तो वही ना, वही में काफी लोगों को एक्सेस होगा, नहीं वो काफी लोगों को एक्सेस नहीं होगा, यही बात है। देखें मेरे डेटे का, मैं उसकी की सिर्फ मेरे पास है, ठीक है, जैसे ईमेल की अगर बात की जाए, ईमेल इस टाइम सेंट्रलाइज पड़े हैं आपके, लेकिन उसको एक्सेस आप कर सकते हैं सिर्फ क्योंकि यूजर नेम पासवर्ड आपके पास है ना। इसमें तो अभी जैसा हमने क्रिप्टोग्राफिक एक हैश की बात मैंने तस्करा किया, ये जो आप बात कर रहे हैं ये हम पूरी केस स्टडी पढ़ते हैं पूरे डिटेल कोर्स के अंदर एक्चुअली, ठीक है। तो ये जो वन वे हैश की बनती है ना आपकी, वो सिर्फ वो प्राइवेट की सिर्फ आपके पास है, किसी ने भी अगर आपका डेटा ओपन करना है तो उस हैश की से बनी हुई पब्लिक की उसके पास होगी तो वो ओपन कर सकता है। ये पूरा मैकेनिज्म है, ये पूरे का पूरा जो केस स्टडी है ना, इसको हम डिस्कस करते हैं जो डिटेल्ड कोर्सेज होते हैं ना उनके अंदर, ठीक है ना जी जी। तो सर, मैं इसमें एक और एग्जांपल आपका ले लेता हूं, जैसे आपने बोला कि सेंट्रल अथॉरिटीज के पास पड़ी होती है, तो उस केस में हम सेंट्रल अथॉरिटीज को भी बहुत ज्यादा पावर देते हैं एक एक पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस का, जिसमें वो आपके लिए एक, जैसे मैंने आपको बताया था डिस्टोपियन सोसाइटी एक्चुअली क्या होती है, एक परफेक्ट सोसाइटी जैसा आप इमेजिन कर सकते हैं कि हर बंदा एक सिस्टम में चलता है, वो सही काम करता है, कोई गलत काम नहीं करता है, गलत काम करता है तो उसको लो पॉइंट्स मिलते हैं, तो लो पॉइंट्स मिलने के बाद उसको लोग सोसाइटी में रिजेक्ट करना शुरू कर देंगे, एंड देन उसको लोन नहीं मिलेगा, उसको इस तरह की चीजें, तो जी तो वो डिस्टोपियन सोसाइटी की तरफ जाता है, ये ऐसा मैंने आपसे कहा था कि परफेक्ट सोसाइटी, बट परफेक्ट सोसाइटी में एक राय थी मेरी, पर्सनल राय थी कि इस दुनिया में कोई भी बंदा 100% अच्छा नहीं है और 100% बुरा नहीं है। Exactly. देखें, तो उसमें हमेशा ये अगर आपको किसी को आपका कंट्रोल मिल जाता है लाइफ का, तो उसको आपको रूल करने का, जैसे अगर मान लीजिए आपको कोई बीमारी है, जैसे आज हेल्थ केयर में ये इश्यू चलता है कि आपका डेटा बहुत प्राइवेट रखा जाता है बिकॉज उसको मिसयूज किया जा सकता है, अगर वो गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट भी मिसयूज कर सकती है, तो सेंट्रल अथॉरिटी होने के बाद में भी ये डर हमेशा रहता है कि हाँ भाई आप उसके आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। इसीलिए वही बात कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज होने की वजह से कोई उसमें रद्दोबदल नहीं कर सकेगा कभी, क्योंकि एक डेटा सपोज करे एक बंदा बैठ के डेटा चेंज कर लेता है, फिर क्या होगा, बाकियों ने तो नहीं किया होगा ना। हाँ, लेकिन जो जो अथॉरिटी है उनको ये सारी चीजें उनके डिस्प्ले के ऊपर है, अथॉरिटी उनको यहाँ पे, देखिए मजे की बात है, यहाँ पे अथॉरिटी होगी कोई नहीं ना, डिसेंट्रलाइज में अथॉरिटी होगी कोई नहीं, हाँ सिर्फ जब आप गवर्नमेंट लेवल पे जाते हैं तब अथॉरिटी होती है, ठीक है, वो भी सिर्फ शुरू में शायद बनाई जाएगी, उसके बाद आप उसको खत्म कर देंगे, ठीक है। अच्छा गौरव भाई, मुझे और क्वेश्चन आ रहे हैं, जी 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 जी, ओके ओके ओके, हाँ तो बाद में इंशाल्लाह फिर इस पर डिटेल, जी सर, जजाकअल्लाह, थैंक यू जी। जी नोकिया भाई, अस्सलाम वालेकुम सर, वो आपसे पूछा था कि सर्टिफिकेशन, जब ने सर्टिफिकेशन बताई हम ब्लॉकचेन हम कर रहे हैं बीपीआईएसी के, तो ये हम पहले कवर करें इसको या फिर सर्टिफिकेशन साथ साथ ही करें, इसका क्या बेनिफिट होगा? डिपेंड करता है, ये तो आपके स्टैमिना पे डिपेंड करता नहीं वो तो ठीक है, नहीं वो तो बात ठीक है आपकी, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि यानी कि पहले हम बिगिनर लेवल पे हैं, बिल्कुल प्रोग्रामिंग, बिल्कुल एग्जैक्टली, लेकिन इसीलिए मैंने
मैंने जो बात की थी ना, पहले आप CBBF को कंप्लीट करें, ठीक है, देन फिर उसके बाद आप इसके जो है ना एडवांस लेवल पे आए तो ज्यादा मुनासिब रहेगा। नहीं, आप CBBF का भी करवा रहे हैं साथ में? जी हाँ सर। ये आप प्राइवेट में बता दें, अभी बता दें क्या प्रोसीजर है इसका, क्योंकि मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया मीटिंग को, मैं जरा बिजी था, तो बता दीजिएगा कैसे इसका तरीका कार है, पेपर वगैरह देने का। किसका तरीका कार? ये CBBF का जो तरीका कार है, फाउंडेशन वगैरह जो भी आपने कोर्सेज वगैरह जितने भी। देखें, ये तो एक्चुअली कोर्सेज वो हैं जो के हम करवाते हैं, ठीक है, यानी कि अगर आप करना चाहें तो बेसिकली दिस इज अवेलेबल देयर, राइट। तो ये हम, ये वो है जो मैं पाकिस्तान में एक्चुअली कोर्सेज लेके आया हूँ कि जी जितने भी लोग उनको ऑथोराइज ट्रेनिंग मिल सकें, ताकि वो अगले दिन बैठ के तो इंटरनेशनल लेवल की सर्टिफिकेशन ले सकें और अपनी लैंग्वेज में मिल सकें। इंग्लिश में तो सारी दुनिया करवा रही है, ठीक है ना। सर इसको मतलब मैं ना यहाँ पे एक ईमेल आपको, हाँ ये ऑन साइट तो नहीं, अभी तो ऑन साइट पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। ये अभी जो है ना ऑन जूम, वाया जूम ही करवा मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। ये मैं एक ना ईमेल लिख रहा हूँ, एक सेकंड, इसके ऊपर ना आप ईमेल कर दीजिए। सॉरी, ओ सॉरी, प्राइवेट में चलिए सर। आपको व्हाट्सएप पे रابطہ कर ले, आपसे व्हाट्सएप पे رابطہ ना कर ले। मेरा नंबर है अगर आपके पास तो कर लीजिएगा, मुझे शेयर कर दें। अब एक दफा मेरे हाथ से पहले आपने एक दफा YouTube पे शेयर किया था। मेरा तो जी हर जगह पे नंबर इतना वो हो गया हुआ, PAIC में मैंने हर जगह पे शेयर किया हुआ, ठीक है ना जी, तो मेरा तो नंबर इतना ज्यादा अवेलेबल आई थिंक। यहां पे भी आप शेयर कर दें, यहां से इजीली फिर हम जो ना आपको व्हाट्सएप पे सेस कर लें, फिर तो डॉक्टर डिटेल से बात हो जाएगी प्राइवेटली, ठीक है जी। बस सिर्फ मुझे कॉल करने से पहले मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है जी सर। ये थीक, मेरा नंबर, ठीक है, ठीक है, चलें, थैंक यू, थैंक यू जी। जी वकास भाई, हेलो, आयशा वेट प्लीज। वकास भाई अनम्यूट करूं आपको? ओके, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। या सॉरी, आई नेवर आस्क एनी क्वेश्चन, सो सॉरी देयर विल बी अ बैकग्राउंड नॉइज। ओके, सो मेरा सवाल ये है आपसे, दो सवाल है बेसिकली, एक तो रेलेवेंट है और दूसरा रेलेवेंट है, आपकी मर्जी, आप चाहें उसका जवाब दें ना दें। फिलहाल एक 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 करके कीजिएगा, बहुत मुनासिब हो जाएगा, प्लीज। पहले रेलेवेंट सवाल ये है कि दो ट्रैक्स हैं, एक है पब्लिक ब्लॉकचेन, एक है प्राइवेट हाइपरलेडर, एक है इथेरियम और ईओएस और ये सारे, और एक तरफ हाइपरलेडर फोल्डा और ये सब है, तो दोनों के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, विच वन इज रियली एक्टिव राइट नाउ, विच वन हैज मोर वर्क टू डू, इसमें काम ज्यादा आजकल मिल सकता है, ये सर अगर आप इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। बाकी सेकंड क्वेश्चन में फिर बात। अच्छा देखें, इस टाइम अगर इफ वी टॉक अबाउट बेसिकली राइट नाउ इन 2020 द मोस्ट डिमांडिंग इज इथेरियम राइट नाउ व्हिच इज पब्लिक, ठीक है जी, तो ये इस टाइम सबसे ज्यादा डिमांडिंग है, क्योंकि अभी प्राइवेट जो क्योंकि मैं पर्सनली समझता हूं कि ज्यादा काम जो आने वाला है वो प्राइवेट में आएगा हाइपर लेजर के ऊपर, क्योंकि कुछ हाइपर लेजर को थोड़ा सा लोग वो यानी साइडलाइन इसलिए कर देते हैं बिकॉज जो है ना हाइपर लेजर वो ले जाते हैं, लाइक आप इसको कहें उसके अंदर ना डिफरेंट फ्लेवर हैं, ठीक है, तो वो स्पेसिफिकली कॉरपोरेट लेवल के लिए, तो कॉरपोरेट जब तक नहीं आएगी ब्लॉकचेन के ऊपर तो उसमें आप काम नहीं कर सकते, उसमें आप प्राइवेटली अपना एक इनिशिएटिव बना के तो चला लें तो मसला कोई नहीं है, या आप अपनी कंपनी के लिए बना के चला लें, दैट इज फाइन। तो लेकिन अभी जो ज्यादा डिमांड है वो इथेरियम की ज्यादा डिमांड है। ओके, दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर
अब जो है डिजिटल ज़ारे ब्लॉकचेन की तरफ जा रही हैं सारी चीज़ें, तो सबसे पहला उसका यूज केस बिटकॉइन करेंसी ही है। और अभी जो है यूएस ने बाकी सारे कंट्रीज में बहुत सारे नोट्स छापे हैं राइट, इससे कोविड की वजह से एक्स्ट्रा नोट्स छापे हैं और अब उसकी वजह से इन्फ्लेशन आने के चांसेस हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब इतना ज़्यादा, अभी तो ठीक है वो इतने सारे नोट छाप के दे रहे हैं सबको, लेकिन जब वो मार्केट में सर्कुलेट करेगा तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन आएगा, करेंसी का रेट डाउन होगा क्योंकि वैल्यू कम हो जाएगी करेंसी की इनफैक्ट राइट, और फिर उसको मे बी वो नेक्स्ट लेवल पे डिजिटल करेंसी की तरफ लेके जाए, फॉर एग्जांपल डिजिटल कैश, हर कंट्री जो है वो अपना एक डिजिटल दिरहम डिजिटल रुपीस की आ जाए, बिल्कुल एग्जैक्टली, और उसके बाद exactly. अभी अभी अगर पेपर करेंसी है तो वो तो पता नहीं चलता आपको कि वो किसके पास जा रही है, लेकिन अगर बैंक के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है तो वो ट्रेस हो रहा है पूरी तरह, तो इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों नहीं है कि आपकी जो करेंसी है वो ट्रेसेबल होगी, मतलब पता चल जाएगा मैंने आगे किसको दिया, मुझे किसने दिए पैसे और वो सब कुछ, और उसकी बेस पे आपको यही तो मजे की बात है, यही तो सबसे मजे की बात है, डीक्रिमिनलाइज किया जा सकता है। यस प्लीज भाई, देखें यही तो बात है मजे की कि जी अब मैं नॉर्मली एक मिसाल देता हूँ, तो कुछ देर के लिए कोशिश ये सोचिए कि हार्ड कैश खत्म हो गया और एक डिजिटल करेंसी आपके सामने आ गई, ठीक है। अब डिजिटल करेंसी को ट्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा, जब मैंने भी बात की मनी लॉन्ड्रिंग रुक जाएगी, ठीक है। अभी आप इसको चलें एक और, मैं आपको ना इसका मैथ्स लेवल दिखाता हूँ, वो मैथ्स लेवल ये है कि जी चाइना अपनी क्रिप्टो करेंसी बना रहा है, आपको आई होप पता होगा इस चीज का, तो उसमें ये है कि चाइना अगर सपोज करें उसको एज ए ग्लोबल करेंसी ले आता और दुबई यानी मिडल ईस्ट को लेके, यहाँ पर रशिया को लेके और जो कुछ कंट्रीज हैं ऐसे उनको लेके वो करेंसी एज ए ट्रेड करेंसी यूज करना, अभी ट्रेड करेंसी डॉलर यूज हो रही है, हम उस डिजिटल करेंसी को एज ए ट्रेड करेंसी यूज करना शुरू कर देते हैं, जस्ट लाइक ए यूरो जो यूरोप में है, ठीक है, तो कितना आसान हो जाएगा काम। विकास भी आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आई एग्री विथ यू के इसके पॉजिटिव्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जैसे वो पिछले पार्टिसिपेंट जो भी थे वो कह रहे थे, इसमें जाहिर है वो इसके कॉन्स भी हैं कि बहुत ज्यादा पावर सेंट्रलाइज के पास नहीं जाएगी, एक्चुअली लोगों के पास चली जाएगी, सेंट्रलाइज तो खत्म हो जाएगा ना, डिजिटल कैश जो है वो कंट्रोल तो गवर्नमेंट के पास, अभी पावर सेंट्रलाइज के पास नहीं, देखें डिजिटल कैश गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होगी, लेकिन ये चीज आप जो इसका सबसे बड़ा फायदा मुझे नजर आता है ना वो ये है कि अभी देखें अभी गवर्नमेंट क्या करती है, यानी कोई भी अगर करप्ट गवर्नमेंट आ जाती है तो वो क्या करती है जी, वो अपने नोट छापती है, उनको डॉलर्स में कन्वर्ट करती है और बाहर ले जाती है, ठीक है, ये चीज रुक जाएगी बेसिकली, और आपका जो आपकी इकोनॉमी है वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, दिस इज द पॉइंट एक्चुअली, क्योंकि वो इसको गलत छाप नहीं सकेंगे फिर, ठीक है ना जी, तो दिस इज द मेन थिंग, बिल्कुल ठीक है सर, चलें बहुत शुक्रिया, बस यही मेरे सवाल थे, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और किसी के कोई क्वेश्चंस? सॉरी मैं चैट नहीं पढ़ रहा था, आई एम सो सॉरी, मैं नॉर्मली जब बात कर रहा हूँ तो चैट नहीं पढ़ता, बंदा जो है ना डाइवर्ट हो जाता है, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, अगर किसी ने कोई और बात करनी है तो प्लीज, अदरवाइज हम इस सेशन को ख़त्म करते हैं। कोई लैंग्वेजेस पे प्रोग्रामिंग पे कोई बात कर रहे थे कि ये इसका क्या मतलब है, थ्योरी पे वर्क ज़्यादा है या प्रोग्रामिंग में, व्हाट डज इट मीन, अगर आप उस पर आ सकते हैं तो भी मुनासिब है, चैट पे आई मीन ऑडियो पे तो भी इसको देखा जा सकता है, अदरवाइज इस सेशन को ख़त्म करते हैं। सर आपको शुरू में आप अगर मेरे से मशवरा मांगें तो आप जावास्क्रिप्ट को पढ़ना शुरू करें, या जावास्क्रिप्ट को पकड़ लें या पाइथन को पकड़ लें, दोनों में से एक को ले चलें, मेरा ख्याल है जावास्क्रिप्ट को पकड़ें क्योंकि वो ज़्यादा इजी है सीखने में, वैसे तो पाइथन भी इजी है, बेसिकली आप उनमें से किसी एक को पकड़ लें दोनों में से,
और उस पे चलना शुरू करें, उसके बेसिक से स्टार्ट करें, तो आई होप आपको जो है ना बहुत कुछ बेहतरीन मिलना शुरू हो जाएगा। आई प्रेफर जावास्क्रिप्ट बाय द वे, क्योंकि वो आपका हाइपरलेजर में भी काम करती है और उसमें भी काम करता है। अरसलान भाई, इसकी रिकॉर्डिंग आपको यार अवेलेबल हो जाएगी, एक्चुअली और बड़ी चीज़ों में भी आजकल हम लोग काम शाम कर रहे हैं दरअसल, तो इस वजह से वो रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं, डाउनलोडेड हैं, उनको सिर्फ जो है ना आपको हमें अपलोड करना है सिर्फ, और कुछ नहीं। ओके जी, मेरा ख्याल है ख़त्म करते हैं। अच्छा गौरव भाई सर, नेक्स्ट सेशन के बारे में बता दीजिए, कब तक आप प्लान कर रहे हैं? कौन सा नेक्स्ट सेशन सर? इसी के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में आप कोई और सेशन प्लान कर रहे हैं तो किसके और एरियाज के बारे में? मैं तो करता ही रहता हूँ, ठीक है, अभी देखें कब करता हूँ दोबारा, जब होगा तो। अगर आपका ईमेल एड्रेस आ गया हुआ है हमारे उसमें डेटाबेस में? जी मैंने किया है आपको ईमेल। हाँ तो वो जो है ना आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा, जो है ना ईमेल आ जाया करेगी जब भी कोई इस तरह की चीज लॉन्च होगी इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है सर, ओके, ठीक है, जज़ाक अल्लाह, थैंक यू जी। तो इसको करते हैं जी खत्म इंशाल्लाह, और फिर आप लोगों से दोबारा मुलाकात रहेगी। अच्छा वकास भाई जी, जी बस वकास अपना भाई। जी अपना फोन नंबर शेयर कर दीजिएगा तो मे बी आई कैन। सर मैंने चैट पे लिखा था, एक्चुअली चैट पे लिखा था, दोबारा लिख देता हूं। आई विल जस्ट हैव अ लुक, सॉरी मैं दोबारा लिख देता हूँ, नो इश्यू। ये सर मेरा नंबर, ठीक है, परफेक्ट। कैन आई कॉल यू आफ्टर दिस चैट, आफ्टर दिस मीटिंग? सर आप मुझे एक्चुअली मेरी अभी एक मीटिंग है, यू विल कॉल मी अराउंड 5:45, देन वी विल डिस्कस इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू। चलें इसको करते हैं सर खत्म। बहुत शुक्रिया आप सबका ज्वाइन करने के लिए, तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से कभी नेक्स्ट सेशन में किसी और जगह पे मुलाकात रहेगी, ठीक है। जजाकअल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।